जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारे इलाके में एक वाकया दरपेश हुआ है जिसमें एक बाप ने ख़ुद और अपने एक बेटे को, जवान साल बेटा था, बाप की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 35-36 साल उसकी उम्र थी और बेटे की उम्र 10-12 साल थी, तो ख़ुद भी और बेटे को भी गंदम में रखने वाली गोलियाँ खिलाकर ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल में जाके दूसरे दिन उन दोनों की जो है वो डेथ हो गई। तो कहना यही था कि देखिए ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इन चीज़ों से तंग आकर अल्लाह की दी हुई इस नेमत की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसकी कदर करें। ये हालात, ये अच्छे बुरे हालात गुज़र जाते हैं। देखें टाइम अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, बुरा टाइम भी गुज़र जाता है अच्छा भी गुज़र जाता है, लेकिन इस तरह का कदम उठाने से पहले आप एक दफ़ा ये ज़रूर सोचें कि आपके पीछे जो आपके पकाया पसमानदा हैं उनका क्या होगा, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो खुदारा इन चीज़ों से जो है अवॉइड करें, अपनी हिफाज़त करें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है सबके रिस्क व माल में बरकत अता फरमाए और सबको जो है उनकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।